नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी इन दिनों कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे हुए हैं, और वो कॉन्ट्रोवर्सी है उन पर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन। जी हाँ दोस्तों, मी टू कॉन्ट्रोवर्सी में जब से राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर का नाम सामने आया है, उससे इंडस्ट्री तो शॉक में है ही, साथ ही साथ उनकी फिल्मों को पसंद करने वाले फैंस भी काफी हैरान है। और अब हम आपको एक और शॉकिंग न्यूज देने जा रहे हैं, वो ये कि मुन्ना भाई 3 से अब राजकुमार हिरानी का पत्ता कट चुका है। जी हाँ दोस्तों, खबरें हैं कि मुन्ना भाई सीरीज के डायरेक्टर रहे हिरानी अब मुन्ना भाई 3 को डायरेक्ट नहीं करेंगे, और इसकी वजह है उन पर लगे सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशन। दरअसल दोस्तों, ऐसी खबरें मीडिया के गलियारों में खूब चर्चाओं में है कि मुन्ना भाई सीरीज के प्रोड्यूसर और राजकुमार हिरानी के बहुत अच्छे दोस्त प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा हिरानी पर लगे एलिगेशन से काफी नाराज है, और अब वो जल्द ही राजकुमार हिरानी को मुन्ना भाई 3 की डायरेक्शन की पोस्ट से हटा सकते हैं। खबरों की माने तो विधु नहीं चाहते कि हिरानी की वजह से मुन्ना भाई 3 को आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो, इसीलिए विधु ने हिरानी को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर दिया है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि खुद राजकुमार हिरानी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मीटू कॉन्ट्रोवर्सी के बाद उनकी और विधु विनोद चोपड़ा की दोस्ती में खटास आ गई है, लेकिन दोस्तों वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा को पहले विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने मिलकर प्रोड्यूस किया था, लेकिन जब उन पर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के एलिगेशन लगे तो इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से प्रोड्यूसर्स के नाम में से हिरानी का नाम निकाल दिया था। इससे साफ है कि अब हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा की दोस्ती में दरार आ चुकी है। अब ऐसे में राजकुमार हिरानी की एग्जिट के बाद कौन सा डायरेक्टर मुन्ना भाई 3 को डायरेक्ट करता है, फिलहाल इसके लिए तो इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।